नमस्कार, मैं अर्चना पटारे मौसम दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं भारत के किस राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कोकण, गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मराठवाड़ा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान के शेष हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा के शेष हिस्सों में, कर्नाटक और रायलसीमा में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। देश के 10 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी हुई। राज्य में इस जगह गिरेगी भारी बारिश, जानिए विस्तार से। उत्तर भारत में कुछ जगहों पर गर्म मौसम है और कुछ जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने आज राजधानी दिल्ली और NCR में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इस क्षेत्र में आज हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। दूसरी ओर राजस्थान, पूर्वी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज ऑरेंज अलर्ट पर है, जिसका मतलब है कि भारी बारिश की संभावना है। इस बीच पश्चिमी गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, केरल, तमिलनाडु, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब केवल मौसम पर नज़र रखने की आवश्यकता है। अन्य सभी राज्यों के लिए ग्रीन अलर्ट का है, जिसका मतलब है कि बारिश की संभावना ना के बराबर है। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उज नदी बाढ़ की स्थिति में है। भारी बारिश के कारण इस क्षेत्र में पहाड़ी इलाकों में भारी मात्रा में पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के जूनागढ़ ब्लॉक में भारी बारिश ने हाथी नदी का जलस्तर बढ़ा दिया गया है और बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से राज्य के जगतसिंहपुर जिले में देवी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बूंदी जिले में जलभराव के कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र में आज कोकण तट पर, पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। आज पुणे, सतारा, रायगढ़, रत्नागिरी आदि जिलों के कुछ घाटों पर, इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों से राज्य में हो रही बारिश का असर राज्य में अभी भी जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई, विदर्भ और मराठवाड़ा में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके चलते नागरिकों को सचेत रहने की सलाह दी जा रही है। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश से लेकर भारी बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने सतारा और पुणे जिलों में कल सुबह तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं एक बार फिर कल रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ जिलों में भारी बारिश की सूचना है। समुद्र के उफान पर आने की संभावना है। खबर में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ देखते रहे मौसम दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।